नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में गाइज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चौथी सीरीज गाइज इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं गाइज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज वीडियो को स्किप मत करना प्लीज एंड तक बने रहना क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको दो बार रिविजन करवाने वाला हूँ व्याख्या साहित चलिए दोस्तों अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट गाइज mm. क्वेश्चन नंबर इकतीस है कैचवे का मुख्य उत्सर्जी अंग है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रीडिया ऑप्शन नंबर बी मेलपिगियन नलिका ऑप्शन नंबर सी व्रक ऑप्शन नंबर डी ज्वाला कोशिका तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रीडिया गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो हानिकारक होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं या फिर हानिकारक पदार्थ बोलते हैं जैसे कि दोस्तों यूरिया यूरिया के अलावा दोस्तों अमोनिया ये हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है

तो आंसर होगा होगा वो हो नेप्री डिया। नेप्री डिया दोस्तों का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एक बार मैं आपका फिर रोजन करवा देता हूं दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है जैसे कि यूरिया और अमोनिया दोस्तों अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें दोस्तों रोगी बना देंगे बीमार कर देंगे इसलिए दोस्तों इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है दोस्तों हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह है किडनी क्योंकि किडनी क्या करती है दोस्तों मूत्र का निर्माण करती है और मूत्र की सहायता से यूरिया और अमोनिया को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों कैचुए में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अंग होता है तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि कैचुए का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है उन्हें को तो दोस्तों में भी बहुत सारे होते होंगे लेकिन दोस्तों मैंने पूछा आपसे कि का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा है तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ने फ्री गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज क्वेश्चन नंबर 32 है तिलचट्टा का मुख्य उत्सर्जी अंग है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रीडिया ऑप्शन नंबर बी मेलपीगियन नलिका ऑप्शन नंबर सी वक्कर ऑप्शन नंबर डी ज्वाला कोशिका तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेल पीगियन नलिका दोस्तों जिस तरीके से मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी होती है दोस्तों ये क्या करती है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है उसी तरीके से तिलचट्टा का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है दोस्तों जिसके द्वारा दोस्तों तिलचट्टा अपने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है मुख्य मेन दोस्तों वो कौन है दोस्तों वो है मेल पीगियन नलिका गाइज एक बार मैं आपका फिर यूजन करवा देता हूँ तिलचट्टा में दोस्तों बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है तो दोस्तों जिस मुख्य अंग के द्वारा तिलचट्टा अपने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है वह दोस्तों मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है तो वह है मेल पीगियन नलिका बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी

जिसे दोस्तों प्लेटी हेलमें में रखा जाता है का मुख्य उत्सर्जी अंग है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रीडिया ऑप्शन नंबर बी मेलपीगियन नलिका ऑप्शन नंबर, C, वक्र, नंबर D, सी वक्र ऑप्शन नंबर डी ज्वाला कोशिका तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ज्वाला कोशिका दोस्तों जो चपटी कर्मे होते हैं उन्हें प्लेटी हेलमें में रखा जाता है और इनका जो मुख्य उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो होता है दोस्तों ज्वाला कोशिका दोस्तों उत्सर्जी अंग क्या होता है किस तरीके से ये काम करता है इसके द्वारा क्या बाहर निकाला जाता है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करा दिया अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए नेप्रीडिया ऑप्शन नंबर बी मेलपीगियन नलिका ऑप्शन नंबर सी वक्र ऑप्शन नंबर डी ज्वाला कोशिका तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वक्र दोस्तों किडनी को कहा जाता है किसे कहा जाता है किडनी को कहा जाता है सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो कसेरे को जंतु क्या होते हैं दोस्तों कसेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दोस्तों उन पस उन जीवों को क्या कहा जाता है उन जीवों को कहा जाता है मेरे दोस्तों कसेरुकी जंतु बात आपको क्लियर है तो दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कसेरु की का अंग होता है तो दोस्तों क्या होता है, होती है। बात आपको बता चुका जिनमें दोस्तों मैंने तीस क्वेश्चन करवाए सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है अगर आपने उन तीनों क्लासों को नहीं देखी है तो जाओ दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर चेकआउट कर सकते हो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है कौन से जीव सीधे कोशिका द्वारा उत्सर्जन करते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ओर्थोपोडा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सिलेंटेट्रस दोस्तों सिलें जो जीव दोस्तों ये सभी जीव अपनी जो कोशिका होती है जो कोशिका होती है उस कोशिका द्वारा दोस्तों क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों इसका मतलब यह है कि सिलेंटेट्रस्ट में जो जीव आते हैं दोस्तों उन सभी जीवों में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों का जो उत्सर्जन करते हैं दोस्तों वो कोशिका द्वारा करते हैं किसके द्वारा करते हैं कोशिका द्वारा करते हैं एक बार मैं आपको फिर पदार्थ बनते हैं द्वारा को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं इसलिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से जीव सीधे कोशिका द्वारा उत्सर्जन करते हैं तो मेरे भाई सिलेंटेट्रस जीव कोशिका द्वारा उत्सर्जन करते हैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया था ऑप्शन नंबर ए उन्नीस में ऑप्शन नंबर बी 1950 में ऑप्शन नंबर सी 1960 में ऑप्शन नंबर डी 1964 में तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उन्नीस में दोस्तों 4 मार्च चार मार्च उन्नीस को किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण या फिर मैं कहूं तो ट्रांसप्लांट किया गया था खापे किया गया था दोस्तों पीटर बेंट है। पीटर एक शहर है खाका इंग्लैंड का इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण या प्रथम ट्रांसप्लांट दोस्तों पे किया गया था तो डॉक्टर का नाम था मेरे भाई जोसेफ डॉक्टर का नाम था जोसेप मैरी जोसेफ मेरी और दोस्तों हॉस्पिटल का नाम था ब्रिंगा हॉस्पिटल ब्रिंगा हॉस्पिटल एक बार मैं आपको फिर रिविजन करवा देता हूं दोस्तों किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण किया गया था दोस्तों 4 मार्च उन्नीस को शहर का नाम है पीटरबेंट इंग्लैंड में डॉक्टर था दोस्तों जोसेफ मेरी और हॉस्पिटल था बिरंगा हॉस्पिटल गाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है ताजा मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है ऑप्शन नंबर ए अमोनिया के कारण ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम के कारण ऑप्शन नंबर सी यूरिनोइड के कारण ऑप्शन नंबर डी नहीं गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरिनोइड के कारण दोस्तों ताज़ा मूत्र की गंध आती है गाइज क्वेश्चन अच्छा है इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लीजिए आपके एग्जाम में मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तीनों क्वेश्चनों में से किसी न किसी एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स जरूर मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइज आपका क्वेश्चन था ताज़ा मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है तो मेरे भाई यूरिनोइड के कारण आती है और दोस्तों जो शौचालय होता है जो शौचालय होता है शौचालय में जो गंध आती है दोस्तों वो किसके कारण आती है तो मेरे भाई अमोनिया के कारण आती है और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है

ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर ऑप्शन नंबर सी 50 लीटर ऑप्शन नंबर डी 7 लीटर तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर दोस्तों इसमें समझाने वाली तो क्या बात है हमारी किडनी है वो एक दिन में यानी कि चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में दोस्तों कितना खून छान देती है तो एक लीटर छान देती है अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है किडनी का जीएफआर मान होता है ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड ऑप्शन नंबर बी 120 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड ऑप्शन नंबर सी 110 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड ऑप्शन नंबर डी 105 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड तो गाइज आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड गाइज मुझे पता है अब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा गाइज सबसे पहले मैं आपको जी की फुल फॉर्म बताता हूँ जी एफ आर की दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी जी एफ आर की होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट दोस्तों अब इस जी एफ आर का मतलब क्या होता है वो देखिए आप जिस दर के साथ जो ग्लोमेरुलस होता है जो ग्लोमेरुलस होता है जो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस किसका भाग है दोस्तों ये भाग है नेफ्रोन का जो कि किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है उसका भाग है जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है यानी कि ब्लड को छानता है उस दर को क्या कहा जाता है दोस्तों उस दर को कहा जाता है जी एफ आर तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किडनी का जी एफ आर मान क्या है यानी कि जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है उस दर को क्या कहा जाता है उस दर को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है तो दोस्तों आपसे पूछा है कि किडनी का जी एफ आर मन कितना है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड यानी कि एक मिनट में दोस्तों ब्लड 125 ml हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो छान कर अलग कर देता है गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गाइज अगला क्वेश्चन है किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है ऑप्शन नंबर ए

तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का टाइम टू तो टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत